माननीय सभापति जी, एक अच्छा बिल और उस बिल के अंतर्गत जो राशि है और वो बिल जिस पवित्र उद्देश्य के साथ आज अपनी अंतिम पूर्णाहुति पर आ गया है, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा आभास होता है कभी कभी कि जैसे काम पूर्ण हो गया है। पिछले 5-6 दिन से वो पाइपलाइन में था। वस्तुतः ये पैसा किसी का नहीं है, ये टीम इंडिया का पैसा है, ये भारत का पैसा है। किसी ने क्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरा पैसा है। क्या रे, क्या राज्य, क्या केंद्र, क्या गांव, क्या शहर, ये टीम इंडिया का पैसा है। और संसद की प्रक्रिया सफल हुई और हम किसी दबाव, किसी बाह्य स्तंभ के प्रेशर के बगैर आज हम उस राशि को वापस उसको पहुंचा रहे हैं जिसको कुछ हानि विकास की यात्रा में हुई होगी। और जो राशि है वह भी अपने आप में बहुत बड़ी है और विशेष करके ऐसे राज्य जिन राज्यों के अंदर जंगलों का विशेष नुकसान हुआ। जब मैं जंगल बोलता हूं तो जंगल के अंदर दो चीजें जुड़ी हुई है, जंगल और उसमें रहने वाला आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जनजाति का समाज और उसका वन्य जीवन। जब अनुसूचित जनजाति बोली जाती है तो उसमें वन और वन्य जीवन जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम इसे होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं देखते हैं, इसलिए कंपार्टमेंट में देखने की आदत पड़ गई है। इसलिए जब कहते हैं कि लोग कहते हैं वन लगाओ, तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि आप वन काटो मत, वन अपने आप लग जाएगा, छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं चलो नदी साफ करते हैं, मैंने कहा माफ करो, नदी गंदा करना बंद कर दो। नदी तो साल में एक बार अपने आप को खुद यूं ही साफ कर लेती है, खुद ही साफ करती है। लेकिन कॉन्सेप्ट के लेवल पर जब कंफ्यूजन होता है तो सेनापति का कंफ्यूजन मैदान के अंदर मोर्चे हरवाता है। वैसे योजनाकारों के मन में और नीति निर्धारकों के अंदर जब स्पष्टता का अभाव होता है या वो किसी इन्फ्लुएंस होते हैं किसी चीज से, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ मैं राशि का विशेष करके उल्लेख उन राज्यों का करना चाहता हूँ जो 1000 से अधिक राशि जिनके पास पहुँचना चाहती है। 1000 करोड़, 1000 वो नहीं है, यानी अब सारी बात करोड़ों में ही होगी। आंध्र प्रदेश के पास 2223 करोड़ रुपए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के पास 1462 करोड़ रुपए जाएंगे। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के पढ़ रहा हूँ ना, सबको बोलते रहिए आप। छत्तीसगढ़ के अंदर 3861 करोड़ रुपए जाएंगे, गुजरात के अंदर 1100 करोड़ रुपए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के पास 1395 करोड़ रुपए जाएंगे, जम्मू कश्मीर के पास 926, राउंड करेंगे तो वो 1000 होता है, झारखंड के पास 3099 करोड़ रुपए जाएंगे, कर्नाटका अगेन 917 करोड़ जाएंगे, मध्य प्रदेश 3459 करोड़ हैं, महाराष्ट्र के पास 2435 करोड़ हैं, उड़ीसा इसके अंदर सबसे अधिक उड़ीसा के पास जाएंगे, वो 5996, इसे राउंड करेंगे तो ये 6000 करोड़ के आसपास होता है। राजस्थान को 1425 करोड़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के पास 1316 करोड़ जाएंगे, 14 करोड़ सॉरी, उत्तराखंड के पास 2210 करोड़ जाएंगे। ये वो राशि है जो इन राज्यों के अंदर विकास के कामों को होने के कारण उस बता ये वह सारा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि 1000 बाकी सबको 1000 से कम है, ये 1000 से ज़्यादा है।
बाकी मैं स्पेसिफिक ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, आप सबको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल ये दे दूंगा, देंगे देंगे सब, पूरी राशि दे दूंगा आपको। राशि की डिटेल 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 आपको जारी। उप सभापति जी, आपके माध्यम से मैं अपने उन सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक बहुत अच्छी बहस के अंदर हिस्सा लिया। जयराम रमेश जी ने इस बहस की शुरुआत की तो मैंने भी मजाक में लॉबी में उनसे कहा कि अब इसके बाद किसी को बोलने को कुछ बच नहीं जाता है, आपने सब तो बोल दिया। तो जयराम रमेश जी ने उसकी बहुत अच्छी शुरुआत की। हाँ, जो विवेक के आधार पर मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या संभव है और क्या नहीं है। फिर भूपेंद्र यादव जी ने भी उसका एक सुंदर सा जवाब दिया और चूंकि वो वकील भी और बाकी सारी चीज़ों से तैयारी के साथ आते हैं तो उस तैयारी को उन्होंने रखा भी। मुनव्वर सलीम जी, टी राथी नावल जी, मोहम्मद नदीमुद्दीन हक जी, हरिवंश जी, सीपी नारायण जी, दिलीप टिर्की जी, वीर सिंह जी, प्रफुल्ल पटेल जी का इंटरवेंशन वो बहुत अच्छा था भाषण, उसके अंदर उन्होंने महाराष्ट्र का अपना वनवासी क्षेत्र का अनुभव बताया। डी राजा जी, दिग्विजय सिंह जी तो इज़ ए पाउडर एवर ड्राई, तो वो हमेशा तैयार ही रहते हैं उस विषयों के अंदर और उनका 10 साल का मध्य प्रदेश का अनुभव है। और लाल सिंह वडोडिया जी, टी के एस इंगोला वास वॉन जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर जी, अनिल देसाई जी, ए वी स्वामी और डॉक्टर ए केशव राव जी, सभी ने इस चर्चा के अंदर बहुत अच्छा भाग लिया जी। बोला ना, बोला और कोई नहीं रह गया, जो रह गया उनको भी। हाँ, उन्होंने भी अच्छा बोला, सबने अच्छा बोला। एक अच्छी बहस, अच्छी चर्चा का ये समापन है। लेकिन यहाँ मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पंचायती राज अधिनियम के बाद किसी भी पंचायती क्षेत्र के अंदर कुछ भी करना संभव नहीं है, उस नियमों के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। जितने भी नए नियम आए, जो लोग भी आए, पंचायती राज अधिनियम ने इस देश के सबसे नीचे जो मैनेजमेंट है, सबसे नीचे जो गवर्नेंस है, उसका इतना सशक्तिकरण कर दिया है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनको तो संसद से भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। इतना पैसा है, उतनी ताकत है, अब उसके साथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, अवेयरनेस, ये सब कुछ चाहिए। और वैसा ही फॉरेस्ट राइट एक्ट के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि वैसे ये दूसरे मंत्रालय का विषय है, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट को ध्यान में रखकर ही ये सारी चीज़ें की गई है। और जहाँ तक राज्य सरकारों का सवाल है, उपसभापति जी, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, हमें राज्य सरकारों पे भरोसा करना होगा। वो चुनी हुई सरकारें हैं, उसके जो मुखिया होते हैं वो विवेक से जो कुछ अच्छा हो सकता है वो करते होंगे। नीतियों में अंतर हो सकता होगा, लेकिन राज्य सरकारों के स्वायत्तता पर और उनके काम करने की क्षमता पर और कुछ कमी हो सकती है, कुछ पेशी हो सकती है, कुछ होगा तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, ध्यान दिला सकते हैं। लेकिन उनके काम करने पे और हर बात हम स्पून फीडिंग करेंगे, हम बताएंगे वैसा ही दो, हम कहेंगे वही करो, तो ये मुझे लगता है फेडरल स्ट्रक्चर के जो मूल ढांचे की चेतना है उसके विपरीत है। इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये राशि जब राज्य को जाएगी, राज्य भी उसका जब नीचे उपयोग करेगा तो उपयोग करते समय उस सारे विवेक का ध्यान रख करके करेंगे जो उन्होंने संविधान के अंतर्गत शपथ ली और सारा काम किया है। वो भी अपने राज्य के अंदर वनों को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अपने राज्य के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को मिटिगेट करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राज्य अपनी जगह इस काम को अच्छे से करेंगे ही, कहीं कुछ ध्यान में आएगा तो हम नियमों को बनाने के अंदर उसको ध्यान देंगे। एक अंतिम बात कह रहा हूँ, पिता को जितनी जल्दी बेटी के विवाह या बेटे के पढ़ाई और विवाह की या नौकरी की होती है, उससे ज़्यादा जल्दी मुझे इस बिल के पास होने की है, क्योंकि मुझे लगता है जल्दी से पास हो जाए तो पैसा जो है वो परसों दिया जा रहा हो तो कल दिया जाए, और कल दिया जा सकता हो तो अभी दे दो। लेकिन शासन की अपनी प्रक्रियाएँ होती है, क्योंकि ये जाएगा, ये प्रतिदिन 10 लाख 11 लाख रुपये से ज़्यादा का इसके ऊपर ब्याज है, लेकिन सरकार ब्याज कमाने के लिए नहीं चलती, सरकार विकास के कामों के लिए चलती है और हम प्रतिबद्ध है विकास के लिए।
इसलिए यहाँ एक ड्राफ्ट को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअली एग्रीड है और इसके अंदर कम से कम कोई शब्द छूटेगा नहीं, वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा और उसके ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ। सम सजेशंस आई हैव रिसीव्ड मेड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड अदर्स वन विद रिगार्ड ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मनीज आर सेंट टू बी स्पेंड इन एरियाज विच आर कवर्ड बाय द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स रिकोगनाइज ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अनदर सजेशन हैज़ बीन मेड विद रिगार्ड ऑफ कंसल्टेशन विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू बी अंडरटेकन इन दिस रिगार्ड। आवर गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज फॉलोड अ प्रिंसिपल प्रोसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस हैव बीन इनक्रेज्ड इन ऑल आवर पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट क्लॉज 6 ऑफ द बिल एज अप्रूव्ड बाय द लोक सभा deal with the expenditure to be undertaken from the state fund. The said expenditure involves expenditure on land given for the compensatory afforestation, forest and wildlife management, protected area and other allied activities. However, if the expenditure is to be undertaken on land covered by the Gram Sabha in area which are covered under the scheduled tribe and other traditional forest dweller, Act 2006, the rule would provide for the necessary consultation with the Gram Sabha. The procedure for the effective consultation in formulation of the project and the expenditure to be undertaken will also be specified in the rules. A record of such a consultation shall be maintained. The language of these rules making a proviso of under Section 30 is wide enough, and clause 30 C, D, J, K, O, and T are wide enough to provide for this. I assure the House that the rules will be necessarily incorporated provision for this consultation process. I would also assure the House that in case the rules are not found adequate, in case the rules are not found adequate in the addressing the issues, we will revisit them after a lapse of a year or so. सभी सुझावों को पूरी गंभीरता से हम विचार करेंगे, उसके लिए आवश्यक बैठक भी हम नियमों के निर्धारण के पहले करेंगे। अवर एब्सोल्यूट आवर प्रोसेस इज एब्सोल्यूटली डेमोक्रेटिक। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैं उस सारी प्रक्रिया को करने के अंदर प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं का कहीं उल्लंघन नहीं करूँगा। अगर उपस्थित हूँ और हूँ तो वो प्रक्रियाएँ अपनी जगह पालन होगी और आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister.